हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम साड़ी में से बॉक्स प्लेटेड लहंगा बनाना सीखेंगे तो उसके लिए मैंने ये तीन मीटर अस्तर लिया है कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये हमारी साड़ी है सबसे पहले हम अपनी साड़ी कटिंग करेंगे इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे तो ये जो साड़ी है ये हमारी पुरानी साड़ी नहीं है न्यू साड़ी थी ये मेरे क्लाइंट की लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी साड़ी कटी हुई निकली थी तो इसलिए उनका मन था इसमें से कुछ लहंगा या स्कर्ट जैसा कुछ बनवाने का तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इसमें से बुक्स प्लेटेड लहंगा क्रिएट करवा लीजिए तो ये जो साड़ी है उसका जो पल्लू एरिया है उन्होंने पहले ही इसका पल्लू एरिया निकाल लिया था ओपर लो एरिया और ब्लाउज का जो फैब्रिक है उन्होंने मुझे ये कट करके दिया उन्होंने वो पहले ही निकाल लिया तो सबसे पहले हम अपनी साड़ी देखेंगे कि हमारी साड़ी कितनी है मेजर करके तो ये जो हमारी साड़ी है टोटल तो मैंने इसको डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है तो ये हमारी सवा तीन मीटर इस तरह से हमारी सवा तीन मीटर है और मैंने इसको डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे लेंथ किस तरह से निकालेंगे हम तो ये देखिए साड़ी में जो ये नीचे की तरफ चौड़ा वाला बॉर्डर है इससे ऊपर की तरफ हमें लेंथ का निशान लगाना है ये हमारा नीचे की तरफ आएगा बॉर्डर इसको इससे ऊपर की तरफ हमें लेंथ का निशान लगाना है अपने लहंगे की तो इस तरह से आपको साड़ी को फोर फोल्ड कर लेना है सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए और आप चाहे तो अलग से न्यू फ्रेश फैब्रिक लेके भी बॉक्स प्लेटेड लहंगा क्रिएट कर सकते हैं और पुरानी साड़ी में से बना सकते हैं मेथड सभी का सेम रहेगा तो ये देखिए मैंने साड़ी को कुछ इस तरह से रख लिया है चारों साइड इसकी जो है बिल्कुल बराबर आपको मिला के रखनी है और नीचे से भी बिल्कुल इक्वल आपको इसको रखना है मिला के तो यहाँ पर जो मुझे अपने लहंगे की लेंथ जो रेडी रखनी है वो मुझे रखनी है थर्टी एट और देखिए जो हमारा बेल्ट का जो तो साइज़ आया था वो आया था थर्टी टू लेकिन मैंने इसमें से माइनस टू कर दिया क्योंकि ये जो हमारी लहंगे की जो बेल्ट बनेगी वो हमारी हुक वाली बनेगी तो जब भी हम हुक वाली बेल्ट बनाते हैं तो उसमें से हमें माइनस टू कर देना है तो देखिए यहाँ पर मैंने माइनस टू कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा थर्टी इंचेस लेकिन अगर आप बेल्ट नाड़े वाली बना रहे हैं तो आपको उसमें से प्लस एक्स्ट्रा फोर या फाइव इंचेस ऐड कर देने हैं लेकिन मैं यहाँ पर हुक वाली बना रही हूँ तो मैंने माइनस टू कर दिया तो थर्टी इंचेस की हमें बेल्ट जो है वो रेडी रखनी है अब हम लहंगे की लेंथ निकालेंगे जो टोटल ये बेल्ट से नीचे नीचे जो हमारी लेंथ रहेगी लहंगे की यहाँ से यहाँ तक जिसकी हमें कटिंग करनी है वो हम निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपकी टोटल लेंथ है उसमें से बेल्ट की चौड़ाई माइनस करनी होगी तो लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल लेंथ में से बेल्ट की चौड़ाई बेल्ट की चौड़ाई में रखूंगी दो इंच वो आपको माइनस करनी है तो ये हमारा आ जाएगा थर्टी तो सिक्स तक की लेंथ आ जाएगी प्लस हम इसमें जो हमारा सिलाई में ऊपर बेल्ट जोड़ते समय जो जाएगा उसको हम ऐड करेंगे तो आधा इंच हमारा बेल्ट को ज्वाइंट करते समय चला जाएगा ऊपर की तरफ तो हम इसमें प्लस कर देंगे हाफ इंच पॉइंट फाइव इंचेज हम इसमें प्लस कर देंगे प्लस जो हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है आप जितना चौड़ा चाहे उतना चोटा फोल्ड कर सकते हैं एक इंच दो इंच जितना भी आपको नीचे की तरफ फोल्ड करना है प्लस हम उसमें उतना कर देंगे मैं सिर्फ हाफ इंच ही फोल्ड करूंगी क्योंकि जो साड़ी है उसमें हमारे किनारी है तो मैं सिर्फ उस किनारी को ही अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी तो प्लस पॉइंट फाइव इंचेस आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं मोड़ने के लिए कपड़ा तो ये हमारा आ जाएगा टोटल थर्टी सेवन इंचेस तो अब जो हमें कटिंग करनी है लहंगे की लेंथ की वो हमें यहाँ से यहाँ तक थर्टी सेवन इंचेस पर कट करनी है तो इस तरह से हमारी ये लेंथ आ जाएगी जिसकी हमें कटिंग करनी है वो थर्टी सेवन इंच पर हमें कट करना है तो ये देखिए लेंथ का निशान लगाने के लिए आपको जो जब को बॉर्डर से ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है और थर्टी सेवन इंचज़ पर मैं मार्क करते जाऊंगी इस तरह से आपको निशान लगा लेना है अपनी लेंथ का फिर इन सभी निशानों को हम कुछ इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से सभी निशानों को मिला लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमारी स्कर्ट की लेंथ जो है वो कट हो जाएगी इस तरह से तो इस तरह से स्कर्ट की लेंथ कट करने के बाद हम बॉक्स प्लेट की मार्किंग करेंगे अपनी तो सबसे पहले हम मार्किंग समझ समझेंगे प्लेट की किस तरह से की जाती है तो जो मैं आपको वीडियो में मेथड बताने वाली हूँ अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए तो आप इजीली बॉक्स प्लेट की मार्किंग कर लेंगे चाहे आपका कपड़ा कितना भी कम हो कितना भी ज्यादा हो चाहे आपका कपड़ा दस मीटर हो बारह मीटर हो पंद्रह मीटर हो या पाँच मीटर हो कितना भी हो आप बॉक्स प्लेट की मार्किंग कर लेंगे अगर वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका टोटल फैब्रिक है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है कितना है तो मेरा जो टोटल फैब्रिक है वो है एक सौ चौंतीस इंच देखिए इसको हम यहाँ पर समझेंगे कुछ इस तरह से तो ये देखिए मान लीजिए हमारा टोटल फैब्रिक है तो ये जो है इसकी लेंथ होगी हमारी इस तरह से और ये हमारी फ्लेयर वाली साइड होगी स्कर्ट की तो ये जो फ्लेयर वाली साइड है इसको आपको मेजर करना है टोटल कितनी है? तो मेरी जो साड़ी है वो है टोटल एक सौ चौतीस एंस जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया अब हम जितनी भी अपने लहंगे में प्लेट्स डालेंगे उसको हम लिख लेंगे नंबर ऑफ प्लेट्स करके आप कितनी भी प्लेट्स डाल सकते हैं दस बारह चौदह सोलह मैं दस प्लेट्स का बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से टेन लिख लूँगी जो मैं अपने लहंगे में जो प्लेट्स डालूंगी वो मैं उसमें टोटल दस डालूंगी पाँच हमारी आगे तरफ आ जाएंगी पाँच हमारी पीछे की तरफ आएंगी आप जितना चाहे उतना मर्जी अपने लहंगे में प्लेट्स डाल सकते हैं दस बारह चौदह जितना भी आपको सही लगे तो अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना होगा कि हम प्लेट की मार्किंग किस तरह से करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो आपका पूरा कपड़ा है यानी कि टोटल जो फैब्रिक है उसको लिख लेना है और जितने भी आप प्लेट डाल रहे हैं वो आप डिज़िट लिख लेंगे फिर जो हमारा पूरा कपड़ा है यानी कि एक इंच उसको हम प्लेट की जो डिजिट है जितनी भी हम प्लेट डाल रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे भाग कर देंगे तो जैसे कि मेरा पूरा कपड़ा है एक इंच तो इसको हम दस से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैं दस प्लेट डाल रही इसलिए मैंने पूरे कपड़े को अपने दस से भाग कर दिया अगर आप बारह प्लेट डालेंगे तो आपको बारह से भाग करना होगा अपने पूरे कपड़े को तो इस तरह से हमारा थर्टीन पॉइंट फोर फुर इंच आ गया तो इसको अब हम पूरे कपड़े को अपने पूरे दस बराबर भागों में बांटेंगे क्योंकि हम दस प्लेट का लहंगा बना रहे हैं अगर आप बारह प्लेट का बनाओगे तो आपको अपने पूरे कपड़े को बारह बराबर भागों में बांट लेना है अगर चौदह प्लेट का बनाओगे तो चौदह बराबर भागों में बांटेंगे अपने पूरे कपड़े को मैं दस प्लेट का बना रही हूँ इसलिए मैंने इस तरह से दस बराबर भागों में अपने कपड़े को बांट लिया है तो ये देखिए मैंने पूरे इस तरह से निशान लगा लिए हैं तो जो हमारा एक भाग होगा वो होगा थर्टीन पॉइंट फोर का इस तरह से जो मैंने सभी दस भागों में बांटा है कपड़े को वो सभी हमारे थर्टीन पॉइंट फोर इंच के होंगे सारे तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल मैंने दस निशान इस तरह से लगा लिया अब इसके आगे हम देखेंगे कि हमारे जो एक प्लेट है उसकी चौड़ाई कितनी होगी तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी कमर का साइज़ है जैसे कि मुझे थर्टी इंच रेडी रखना है तो उसको हम प्लेट जितने भी हम डाल रहे हैं उससे भाग कर देंगे तो हमारी प्लेट की एक प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी तो थर्टी को हम टेन से डिवाइड कर देंगे इस तरह से तो ये हमारी एक प्लेट की चौड़ाई निकल आई है तीन इंच तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना भी आपको अपनी स्कर्ट का कमर का साइज़ रेडी रखना है उसको जितने भी आप प्लेट्स डाल रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका जो भी निकल के आएगा वो आपकी एक प्लेट की चौड़ाई आई होगी तो जैसे कि मेरा तीन इंच आया और मैं दस प्लेट इस तरह से डालूंगी तीन इंच चौड़ी हमारी दस प्लेट डालेंगी तो टोटल हमारा तीस इंच तैयार आ जाएगा कमर का साइज़ तो इस तरह से हमें बॉक्स प्लेट की चौड़ाई निकालनी होती है इसके बाद हम अपनी तीन इंच चौड़ी प्लेट का निशान किस तरह से लगाएंगे वो हम सीखेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने दस बराबर पर भागों में बांटा था इसको तो उसमें से हम एक भाग लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे उसके बाद हमारी जैसे तीन इंच चौड़ी प्लेट है तो जो हमने ये निशान लगाया सेंटर में तो डेढ़ इंच हमें इसके इस साइड निशान लगाना है और डेढ़ इंच हमें इस साइड निशान लगाना है इस तरह से मान लीजिए आपकी प्लेट है चार इंच चौड़ी तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो हमने सेंटर में निशान लगाया तो सेंटर के दो इंच हमें लेफ्ट साइड में निशान लगाना है और दो इंच हमें राइट साइड में निशान लगाना है तो इस तरह से

इस तरह से निकालना है हमें तो वही हम इस पर निशान लगा रहे हैं इस तरह से यहाँ से हम निशान लगाएंगे थर्टीन पॉइंट फोर इंच पर इस तरह से हमें निशान से आगे हम थर्टीन पॉइंट फोर इंच पर निशान लगाएंगे दोबारा से इस तरह से फिर इस निशान से आगे भी हम इस तरह से थर्टीन पॉइंट फोर इंच पर निशान लगाएंगे इसी तरह आपको पूरे कपड़े पर निशान लगाते हुए जाना है ये देखिए इस तरह से यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया और ये भी हमारा थर्टीन पॉइंट फोर ही आ रहा है ये देखिए क्योंकि हमने पहले ही इसको बराबर भागों में बांट लिया था इस तरह से हमारे पांच निशान आए क्योंकि मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है अगर मैं पूरा सिंगल खोल के रखूंगी तो हमारे दस निशान हो जाएंगे तो इस तरह से निशान लगाना है फिर इतने पार्ट का हमें सेंटर निकाल लेना है सिर्फ एक पार्ट का इस तरह से हम थर्टीन पॉइंट फोर यहाँ तक जैसे हमारा आ रहा है तो इंच टेप को कुछ इस तरह से रखेंगे फिर इंच टेप को इस तरह से आपको पकड़ना है फिर उसको बिल्कुल डबल फोल्ड इस तरह से कर देना है तो ये देखिए ये हम देखेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ पर आ रहा है तो ये हमारा आ रहा है पौने सात इंच पर तो हम पौने सात इंच पर इस तरह से इसका सेंटर में निशान लगा लें तो इस तरह से दस भागों में से आपको एक पार्ट का सेंटर इस तरह से निकाल लेना है इस तरह से निशान लगाने के बाद हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे देखिए मैंने एक पार्ट का सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही सेंटर निकाल निकाला है आपको भी इसी तरह से निकालना है तो अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे जैसे कि हमारी तीन इंच चौड़ी प्लेट हमें तैयार रखनी है तो डेढ़ इंच हम सेंटर वाले निशान के राइट साइड में निशान लगाएंगे और डेढ़ इंच ही हम लेफ्ट साइड में निशान लगाएंगे इस तरह से हमें अपनी प्लेट की मार्किंग करनी है तीन इंच चौड़ी तो ये देखिए हमारा पूरा तीन इंच आ रहा है डेढ़ इंच मैंने उसके साइड निशान लगाया डेढ़ इंच इस तरफ तो इस तरह से आपको प्लेट का निशान लगाना है अब देखिए प्लेट को हमें किस तरह से सिलना है इस तरह से इस निशान को उठाकर दूसरे निशान तक मिला के इस तरह से रखना है और फिर दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह करना है आपको तो ये हमारी एक बॉक्स प्लेट इस तरह से आ जाएगी इस तरह से आपको अपनी बॉक्स प्लेट को सिल मैं आपको सिलकर भी बताऊंगी मशीन पर तो फिर से आप देखिए जैसे मान लीजिए आपकी चार इंच चौड़ी प्लेट है तो सेंटर वाले निशान के दो इंच इसी मेथड से आपको जो हमारे बचे हुए भाग हैं तो भागों में निशान लगा चुकी हूँ एक और बार आप फिर समझ लीजिए किस तरह से मैंने निशान लगाया है एक भाग का सबसे पहले आपको सेंटर निकालना है फिर सेंटर के डेढ़ इंच मैंने राइट साइड में निशान लगाया डेढ़ इंच में तो ये हमारी प्लेट का निशान हो गया तीन चौड़ी प्लेट का इसी तरह से आपको सभी भागों में निशान लगा लेने हैं मैंने आपको इसमें सिर्फ पांच भागों में प्लेट्स के निशान लगाकर बताएं बताए हैं बाकी के जो बचे हुए पांच भाग हैं उनमें भी आपको सेम इसी तरह से मार्किंग करनी है तो ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव पांच मैंने इस तरह से निशान लगाए हैं तो सेम इसी तरह से आपको कपड़े की दूसरी साइड में निशान लगाने हैं क्योंकि मैंने डबल फोल्ड में रखा था लेकिन ये जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी यहाँ पर आपको एक इंच इस तरह से निशान लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है वो जिप अटैच होगी तो दोनों साइड हमें एक एक इंच इस तरह से निशान लगाना है यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी यहाँ पर हमारी जिप अटैच होगी इसलिए सिर्फ हमने एक एक इंच पर निशान लगाया है ओपन वाली साइड में ये सिर्फ आपको ओपन वाली साइड में करना है और ये देखिए प्लेट को हमें इस निशान तक इस तरह से सिलना है और यहाँ से इस निशान तक तो इस तरह से आपको अपने प्लेट की मार्किंग कर लेनी है तो ये देखिए मेन फैब्रिक की मार्किंग करने के बाद हम अपने अस्तर की कटिंग कर करेंगे तो इसको मैंने इस तरह से टू फोल्ड में रखा है और तीन मीटर टोटल ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है तो लेंथ निकालने के लिए हम इसको इस तरह से फोर फोल्ड में रखेंगे इस तरह से हमें अपने अस्तर को फोर फोल्ड में रख लेना और इस तरह से हम अपनी लेंथ निकालेंगे अस्तर की इसके बाद हम जो अस्तर की लेंथ है वो कैसे निकालेंगे तो जितने भी आपकी स्कर्ट की हमने जैसे लेंथ थर्टी सेवन इंचज़ कट की है तो इसको हम तीन इंच उससे छोटा कट करेंगे ताकि वो नीचे की तरफ ना दिखाई दे हमारा स्तर तो हम थर्टी सेवन में से माइनस थ्री कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा थर्टी फोर इंचेस तो थर्टी फोर इंच हमें इसकी लेंथ रेडी रखनी है तो हम इसको मेजर करके देखेंगे तो ये हमारा थर्टी टू इंच आ रहा है यानी कि हमारे दो इंच ऑलरेडी ऊँचा आ रहा है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि जो मेरी साड़ी है वो सिल्क की साड़ी है उसमें बाहर की तरफ ऊंचा स्तर नहीं दिखाई देगा कि कितना ऊंचा है और मैं इसको नीचे से फोल्ड भी नहीं करूंगी क्योंकि हमारे नीचे की तरफ किनारी आ रही है अब हम ये समझेंगे कि, कि हमें इसमें से प्लेट्स किस तरह डालनी है तो ये देखिए प्लेट्स हमें जैसे हम सलवार में डालते हैं नॉर्मली इस तरह से हमें अस्तर में अपनी प्लेट्स डाल लेनी है इस तरह से प्लेट्स डाल के आपको रेडी कर लेना है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें अस्तर की कटिंग करनी है तो यहाँ पर हमारी कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए अब हम अपने मेन फैब्रिक में बॉक्स प्लेट डालना शुरू करेंगे तो ये हमारा जो हमने एक इंच का निशान लगाया था वो निशान है तो ये देखिए इस निशान को इस तरह से हमें उठाना है और दूसरे निशान के ऊपर इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है फिर ये देखिए सेंटर वाला निशान छोड़ते हो आपको दूसरे निशान को इस तरह से उठा के इसके बराबर वाले निशान पर इस तरह से रख देना है तो ये हमारी एक बॉक्स प्लेट डल तैयार हो जाएगी दोबारा तो से समझेंगे ये देखिए हमें प्लेट वाले इस निशान को इस तरह से उठाना है और दूसरी साइड मिलाते हुए इस तरह रख देना है फोल्ड करके फिर सेंटर वाले निशान को छोड़ते हुए प्लेट वाले निशान को उठाएंगे और दूसरे निशान से मिला के इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे तो इस तरह से हमारी बॉक्स प्लेट जो है वो डलती चली जाएगी हमारे फैब्रिक में ये देखिए इस तरह से आपको निशान को उठा के दूसरे एंड तक मिलाना है प्लेट के दूसरे एंड तक और फिर सेंटर वाला निशान छोड़ते हुए दूसरे निशान को इस तरह से उठाना है प्लेट वाले को और दूसरे निशान तक इस तरह से मिला देना है तो इस तरह से हमारी जो है बॉक्स प्लेट काफ़ी ईजिल डलती हुई चली जाएंगी इस तरह से आपको बॉक्स प्लेट अपने डालते तो हुए जाना है ये देखिए मैंने तीन प्लेट्स आपको इस तरह से डाल के दिखा दी हैं पूरे फैब्रिक में आपको इस तरह से प्लेट को स्टिच कर लेना है बैक साइड से कुछ हमारा इस तरह का दिखेगा तो ये देखिए हमारी तीन प्लेट्स इस तरह से डल चुकी हैं तो मैं देखिए मैंने पूरे फैब्रिक में इसी तरह से प्लेट्स डाली जैसे कि मैंने आपको समझाया था टोटल हमारी टेन प्लेट्स डली हैं इसके अंदर सभी प्लेट्स डालने के बाद देखिए हम क्या करेंगे प्लेट्स को इस तरह से नीचे तक कुछ दूरी तक फोल्ड करते हुए हमें इन प्लेट्स को नीचे तक थोड़ा सिलना होगा इस तरह से हम सिलेंगे तीन तीन इंच तक मैंने इनको सिला है इस तरह से देखिए आपको प्लेट को सिलना है ये जो मैं मेज़र करके दिखा रही हूँ आपको पाँच इंच पर दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैंने इनको बाद में तीन इंच तक ही सिला था पाँच इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं बेल्ट का भूल गई थी दो इंच चौड़ी हमारी बेल्ट भी आएगी ऊपर की तरफ तो इसलिए आपको सिर्फ तीन इंच तक इस तरह से प्लेट को सिलना है नीचे तक ये देखिए कुछ इस तरह से आपको प्लेट सिलते हुए जाना है इस तरह से प्लेट को मोड़ते हुए कुछ दूरी तक आपको सिलाई लगानी है तीन इंच तक आपको ये सिलाई लगानी है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं सेम इसी तरीके से आपको सभी प्लेट्स में सिलाई लगा देनी है तीन इंच डाउन तक तीन तीन इंच इस तरह से नीचे तक इस तरह से सिलाई लगाने से जो है हमारी जो शेप आएगी वो काफ़ी अच्छी आती इससे जो हमारा टमी एरिया है वो हमारा प्लेट्स की वजह से फूला फूला नहीं दिखाई देता काफ़ी अच्छी शेप हमारी इसमें निकल के आती है इस तरह से प्लेट्स में अगर हम कुछ दूरी तक सिलाई लगाते हैं तो तो आपको सभी प्लेट्स में इसी तरह निशान लग, लगा सिलाई लगा लेनी है तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली मैं आपको फिर से मेजर करके दिखाऊंगी ये देखिए मैंने बाद में इसको तीन इंच तक कर दिया था क्योंकि दो इंच की हमारे ऊपर बेल्ट आएगी इसलिए तो दो इंच की बेल्ट आने के बाद हमारा टोटल पाँच इंच ही हो जाएगा तो इसलिए आपको तीन इंच की दूरी तक ही इसको सिलना है तो देखिए फिर इस तरह से हम डबल डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से रखेंगे और इसको हम मेजर करके देखेंगे कि हमें कमर का साइज चाहिए था थर्टी इंच तो उससे हमारा एक इंच एक्स्ट्रा एक 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 होना चाहिए साढ़े पंद्रह इंच यानी कि थर्टी वन इंच हमारा एक इंच एक एक्स्ट्रा एक है क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा जब हम जिप अटैच करेंगे उसमें भी जाएगा इसलिए तो इसके बाद हम ये देखिए अस्तर में प्लेट्स डालेंगे और इसको भी हम इस तरह से प्लेट डाल के रेडी कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया स्टिच करके मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ईजिली आप इनको डाल लेंगे नॉर्मल सी प्लेट हैं जैसे कि हमारी सलवार में डलती हैं तो इसको भी हम डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और उसको भी मेजर करके देख लेंगे तो इसका साइज़ भी हमारा मेन फैब्रिक के बेल्ट के जितना ही होना चाहिए जितना कि हमारा उसका आ रहा था साढ़े पंद्रह तो ये देखिए हमारा आ रहा है सोलह इंच तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे एक और छोटी सी प्लेट डाल लेंगे उसके बाद हम इसको नीचे से देखिए किस तरह फोल्ड करेंगे मैं तो फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि हमारे नीचे की तरफ किनारी है अगर आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं तो इसके बाद देखिए हमें क्या करना है इस तरह से हम अस्तर वाले फैब्रिक को नीचे रखेंगे उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बेल्ट से बेल्ट वाली साइड मिलाते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है कच्ची सिलाई से हमें इन दोनों को इस तरह से एक साथ अटैच कर लेना है एक साथ रखते हुए बिल्कुल बराबर मिलाते हुए आपको इनको रखना है ऊपर की साइड से और एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक जो है वो एक साथ अटैच हो जाएंगे तो ये देखिए हमने बेल्ट वाली साइड से इनको एक साथ अटैच कर लिया अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को भी इतना करने के बाद हम अपने लहंगे की फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से रखना है और जिप के लिए सबसे पहले हम निशान लगाएंगे सात इंच पर इस तरह से आपको साइड में सात इंच पर निशान लगाना है आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी और दोनों साइड में आपको इस तरह से निशान लगाने हैं दूसरी साइड भी इसी तरह से आपको सेवन सेवन इंचज़ पर निशान लगा देने हैं क्योंकि यहाँ तक हमारी जो है वो ज़िप अटैच होगी तो ये देखिए चारों कपड़ों को इस तरह से आपको बिल्कुल बराबर मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ तक हमें कच्ची सिलाई लगानी है और इसके नीचे तक हम पक्की सिलाई लगाएंगे कच्ची सिलाई हम इसलिए लगाए क्योंकि हमारी बाद में यहाँ पे जिप अटैच होगी तो ये देखिए यहाँ तक मैंने कच्ची सिलाई लगा ली अब यहाँ पर हम अपनी सिलाई को बारीक कर लेंगे और यहाँ पर हमें निशान से थोड़ा सा यानी कि एक इंच नीचे सिर्फ हमें पक्की सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है निशान तक हमें कच्ची सिलाई लगाई है और इतने एक इंच नीचे हमने निशान की पक्की सिलाई लगाई है अब हम अपनी फिटिंग वाली सिलाई किस तरह से लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे अस्तर वाला जो कपड़ा है इस तरह से हमें इसको ऊपर की तरफ इस तरह से कर देना है क्योंकि जो मेन फैब्रिक का जो हमारा घेर है और अस्तर का जो घेर है उसको हम अलग अलग रखेंगे इसलिए हम इस तरह से इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से आपको अस्तर वाले कपड़े को ऊपर की तरफ रखना है और सिर्फ मेन फैब्रिक वाले जो कपड़े हैं दोनों को एक साथ मिलाते हुए आपको इस तरह से इनके ऊपर पक्की सिलाई लगा लेनी है हाफ हाफ इंच का तो ये देखिए मेन फैब्रिक वाले घेरे में हमारी फ़िटिंग वाली सिलाई लग चुकी है अब हम अस्तर वाले कपड़े में भी अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हम उसको नीचे कर लेंगे और ये जो मेन फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ ढकेलते हुए सिर्फ हमें अस्तर वाले दोनों पीसेस को पकड़ना है इस तरह से बराबर मिलाते हुए और इसके ऊपर हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेन फैब्रिक है वो सिलाई के बीच में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी तो इस तरह से हमें फ़िटिंग वाली सिलाई लगानी है इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए तो ये देखिए हमारी अस्तर वाले पार्ट में भी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है और मेन फैब्रिक में भी तो ये देखिए दोनों हमारे इस तरह से अगर हम फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं तो अलग अलग रहेंगे दोनों पार्ट अब हम अपनी ज़िप अटैच करेंगे जो हमने सात इंच पर कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हमें देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से अलग अलग कर लेना है बीच में से मतलब चीर लेना है और इसके सेंटर में बिल्कुल हमें इस तरह से जिप को रखना है सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए और इसके हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरह से देखिए सेंटर टू सेंटर आपको मिलाना है सिलाई का और जिप का और इस तरह से आपको ज़िप के ऊपर सिलाई लगा लेनी है यहाँ से हम अपने इस फैब्रिक को घुमाएंगे और यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे फिर दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह सीधी सिलाई लगा लेनी है और ये सिलाई हमें पक्की लगानी है तो इस तरह से कुछ हमारी ज़िप अटैच हो जाएगी तो ये देखिए सामने की तरफ से कुछ इस तरह इसकी सिलाइयाँ दिखाई देंगी ये देखिए पीछे से भी और फ्रंट पार्ट से भी कुछ इस तरह की हमारी सिलाई दिखाई देगी जो कि हमने लगाई है अब ये जो कच्ची सिलाई है इसको हम निकाल लेंगे नीडल नीडल की हेल्प से इस तरह से ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी सात इंच तक उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो सिलाई निकालने के बाद एक बार हम जिप को ओपन करके देखेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ओपन करने में या इसको बंद करने में कोई दिक्कत तो नहीं है तो ये जिप हमारी पूरी तरह से सही तरीके से लग चुकी है इस तरह से एक बार आपको चेक कर लेना है अब ज़िप लगने के बाद हम अपने लहंगे में बेल्ट अटैच करेंगे तो उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग ली है बुकरम ली है मतलब दो इंच चौड़ी और ये मैंने उसके लिए फैब्रिक लिया है जो हमारा बेल्ट में यूज़ होगा पाँच इंच चौड़ाई है इसकी तो देखिए जो हमारी बेल्ट जो हमें रेडी रखनी है वो हमें दो इंच रेडी रखनी है तो इसका डबल करना है आपको जितनी भी चौड़ी आपको बेल्ट रखनी है उसमें प्लस वन कर देंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा अंदर की तरफ जाएगा बेल्ट अटैच करते टाइम और हाफ इंची बाहर की तरफ तो कुछ इस तरह से बुकरम को हमें फ़ैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और साइड में से हाफ इंच फोल्ड करते हुए उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से फिर ऊपर की तरफ से भी हाफ इंच मोड़ते हुए हम इस बुक बुकरम के ऊपर कपड़ा चढ़ाते हुए जाएंगे सिर्फ हाफ हाफ इंच ही हमको इसके ऊपर मोड़ते हुए सिलाई लगानी है एक साइड से तो ये देखिए हमने पूरी बुकरम पर इसी तरह सिलाई लगा ली कपड़ा मोड़ते हुए साइड से भी हमें इस फैब्रिक को इस तरह से मोड़ लेना है एक साइड से सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी बेल्ट राइट साइड से अब हम अपना स्कर्ट लेंगे और इसका बेल्ट वाला पार्ट हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और बेल्ट को इसके ऊपर इस तरह रखना है और हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है तो ये देखिए बेल्ट को मैंने नीचे रखा है और लहंगे वाले पार्ट को ऊपर और इन दोनों को एक साथ बराबर मिलाते हुए आपको रखना है और हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको एक सीधी सिलाई लगा लेनी है पूरी बेल्ट पे इसी तरह आपको बेल्ट अटैच करनी होती है लहंगे में और ये मैंने दो इंच एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट का फैब्रिक क्योंकि मैं हुक वाली बेल्ट बना रही हूँ और उसमें मैं एक हुक एक्स्ट्रा लगाऊंगी इसलिए अब देखिए हाफ इंच सिलाई लगाने के बाद हमें बेल्ट को सीधी तरफ टर्न कर लेना है और ये मैंने हुक लिए हैं इसमें अटैच करने के लिए तो इस तरह से आपको पहले सीधी साइड से हुक का एक पार्ट अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और फिर अंदर से इसका लोक इस तरह से लगा कर इसको सीज़र की हेल्प से इस तरह से हम फिक्स कर देंगे इस तरह से हमें हुक अटैच करना है और मैंने इसमें दो हुक अटैच किए ताकि ये हमें लूज़ या टाइट हो तो हम उसको फिक्स कर सके अब दूसरी साइड भी हमें हुक के दूसरे वाले पार्ट को इसमें अटैच कर लेना है तो ये देखिए मैंने हुक का दूसरा वाला पार्ट लिया है और उसको हमें इस साइड से लगाना है बुकरम से नीचे वाली साइड मैंने लगाया है इसको और इसका लॉक वाला पार्ट लेके इसको भी हम फिक्स कर देंगे सीजर की हेल्प से तो ये देखिए मैंने इसको फिक्स कर लिया और यहाँ पर भी हमें हुक के दोनों पार्ट ही लगाने हैं हुक अटैच करने के बाद हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है साइड से हम फोल्ड करेंगे इसको और इसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरह से और अब इसके ऊपर रखते हुए इसको हम इसको भी अटैच कर लेंगे इस तरह से अपनी बेल्ट को सिल लेंगे लहंगे के साथ तो ये देखिए हमारी बेल्ट कितनी फिनिशिंग से अटैच होती है इस तरह से तो ये देखिए हमारी बेल्ट भी अटैच हो चुकी है बेल्ट अटैच होने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है हमारा ये देखिए बाहर से भी कितनी फिनिशिंग है और अंदर से भी इसमें काफ़ी फिनिशिंग आई है ये देखिए तो इसी तरह से हमारी बेल्ट अटैच की जाती है लहंगों में अब हम यहाँ पर अपनी जिप को और हुक को लगा कर देखेंगे इस तरह से हमारी हुक लगेंगे ये देखिए तो हुक लगने के बाद इस तरह का इसका फाइनल लुक होगा अब बेल्ट अटैच होने के बाद हम इसको नीचे से फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये जो साड़ी की किनारी थी मैं सिर्फ इसको ही फोल्ड करूँगी और अगर आप डबल फोल्ड करना चाहते हैं तो वैसे इस तरह से आपको फोल्ड करना है इस तरह से और आप चाहें तो इसमें बॉर्डर वगैरह भी अटैच कर सकते हैं अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो पूरे राउंड में आपको इसी तरह सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से हमारा नीचे से घेरा रेडी होगा और ये देखिए हुक जो हमने दो लगाए थे इसको हम इस तरह से अगर हमें लूज है तो इस तरह से हम लास्ट वाले हुक में इसको लगा सकते हैं और टाइट है तो इस तरह से लास्ट वाले को फर्स्ट वाले में लगा सकते हैं तो दो हुक लगाने का हमारा ये बेनिफिट होता है इसलिए मैंने इसमें दो हुक लगाए हैं तो यहाँ पर हमारा बॉक्स प्लेटेड लहंगा बनकर रेडी हो चुका है तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है इस लहंगे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने इसको साड़ी में से स्टिच किया है और ये जो देखिए मैंने तीन इंच तक जो प्लेट नीचे तक स्टिच की थी इसका क्या बेनिफिट है जो हमारी बॉडी की जो शेप है वो काफ़ी अच्छी आती है फूला फूला नहीं लगता प्लेट्स की वजह से जो फूला फूला टमीर या हमारा मोटा लगता है वो चीज़ वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आती अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है एंड तक बिना स्किप किए हुए तो आप उसको इजीली बना लेंगे अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी तो ये है इसका फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई